हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। उत्तराखंड के LTE शिक्षक भर्ती वालों के लिए इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जारी हो चुकी है। आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। आज की नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले अपडेट कर रखा है आयोग के द्वारा, और इसमें बताया गया कि आपका जो रिजल्ट निकाला गया था आपका 30 दिसंबर को, हालांकि यहाँ पर संशोधित रिजल्ट अभी आज निकाल दिया गया है। और इसमें आपके सहायक अध्यापक LTE अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान सामान्य और व्यायाम और गृह विज्ञान, वाणिज्य और इसके साथ साथ संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इन विषय की यहाँ पर जो है पेपर कराया गया था आपका, इनकी वैकेंसी निकाली गई थी। इसको लेकर जिनका कोर्ट में वाद नहीं है उन सभी को यहाँ पर जो है रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तिथि घोषित कर दी गई है। इसमें अपना कैटेगरी और सीरियल नंबर और जो भी आपको 19 जुलाई 2022 से विषयवार जो है आप तैयार हैं तो 19 जुलाई से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके लिए निर्धारित तिथि यहाँ पर जारी कर दी गई है। आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट सारे सारे ओके कर लेने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, ठीक है। इसके लिए नहीं तो स्पेशल वीडियो बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। कई लोग जो है बाद में पछताते भी हैं और कई लोग डॉक्यूमेंट बारिश में बाहर भी हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है आपको सतर्क रहना है। अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब तैयार कर लेना है। और कहा गया कि यहाँ जो है सहायक अध्यापक विभिन्न विषयों में जो चयनित अभ्यर्थी उनका जो है एक से अधिक सामान्य महिला दोनों शाखा में हुआ है, संबंध में जो है अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि को ही यहाँ पर दोनों शाखाओं में जो है अभिलेख सत्यापन कराना है। जिनका यहाँ पर एक से ज़्यादा में चयन रखा, कई लोगों का ऐसा है जिसमें महिला में भी हो रखा है और सामान्य में भी हो रखा है, तो दो दो जगह चयन होने के बाद उनको एक ही जगह आपको करना है। चेक लिस्ट आपको बनवा लेना है सबसे पहले, तो ठीक है, चेक लिस्ट बनाना काफ़ी कंपलसरी है। इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर मैथ्स वालों का सबसे पहले है जो कि 60% इनकी सामान्य जो आपके सामान्य शाखा में 60% है, यानी कि आपका सीधी भर्ती वाले हैं। 19 तारीख को मंगलवार को आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1 से लेकर 80 आपका जो सीरियल नंबर है उसके लिए। और वहीं गणित 60%, OBC, SC, ST, EWS, PS इन सभी का रोल नंबर देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर। 20 तारीख को बुधवार को होने हैं। मैथ्स आपका 60% महिला अभ्यर्थी जिनका यहाँ पर जनरल है, OBC है, SC है, EWS है, 21 तारीख को होना है। और सामान्य 10% है और महिला 10% उनका भी 21 तारीख को होना है। उसके बाद आपका विज्ञान, ठीक है, विज्ञान का यहाँ पर जो है आपका 21 तारीख को ही होना है विज्ञान वालों का 60%, जनरल वालों का 1 से लेकर 37 तक का। उसके बाद विज्ञान वालों का आपका यहाँ पर जनरल जो 38 से लेकर 93 तक होंगे और OBC 1 से लेकर 24 तक होंगे। 22 तारीख को होना है। उसके बाद आपका विज्ञान का देखिए यहाँ पर सामान्य शाखा 60% वालों का, OBC, SC, ST और EWS, PS इन सभी का रोल नंबर आपको शनिवार को होना है। साथ में आपका महिला शाखा के अंतर्गत जो है 60% जनरल वाले में 1 से लेकर 8 तक का होना है। उसके बाद महिला 60% वालों का जनरल में 9 का और OBC 1 का और यहाँ पे SC 1 से लेकर 4 तक का, EWS 1 का, इनका आपका 25 को होना है। और वहीं यहाँ पर सामान्य 10% है EWS जनरल, OBC, SC और महिला है 10% वाला जनरल SC, तो इनका भी 25 तारीख को होना है। 26 तारीख को आपका होगा यहाँ पर अंग्रेजी का जनरल का होगा, OBC का हो, SC का हो, रोल नंबर आप चेक कर लेना। और अंग्रेजी का आपका यहाँ पर 27 को भी है, SC, ST, EWS, PH और जनरल महिला 60% का। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है गृह विज्ञान का उसी का है आपका, ठीक है, 8 अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी का है। इसमें आप लोग देख सकते हैं महिला 60% का, SC का है, जनरल का है, सामान्य 10% वाला है, OBC, SC है और महिला शाखा जनरल का है और SC का है। और उसके बाद यहाँ पर गृह विज्ञान का है 60% का है, इन सब का 27 कौन है। और महिला शाखा 60% जनरल का है, इनका भी 27 कौन है। और उसके बाद अगर बात करें 28 तारीख का आपका सबका यहाँ पर देखिए सबका 28 तारीख को है, सबका जो गृह विज्ञान का है, उर्दू वाले हैं, पंजाबी वाले हैं, बंगाली वाले हैं, संगीत वाले हैं, वाणिज्य वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, इन सबका आपको 28 तारीख को होना है। तो सब्जेक्ट वार आपको देखने को मिल जाएगा, तो सभी 15 सब्जेक्ट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बाकी जो कोर्ट में बात है उनका जो है जल्दी निस्तारण करके, ठीक है, उनका यहाँ पर जो है जल्दी वो भी रिजल्ट हो जाएगा अगर कोर्ट केस समाप्त हो जाता है तो।